बुनियादे पीछे की जो तरफ है ना यहाँ लेपर्ड 3 दिन से आप बता रहे हो यहीं है। 3 दिन से लगातार यहाँ पर ही है और इनका कल एक कुत्ता भी उठा लिया यहाँ से। मेरा एक डॉगी उन्होंने उठा लिया बिल्कुल जंगल की बॉल से ही, वहीं पर ही था वो लेपर्ड। अभी भी यहीं पर ही है, कोई बंदर नहीं है, बिल्कुल शांति है। वो यहीं पर ही है। मेरे देखो ये ना इलेक्ट्रिक फेंसिंग करी हुई है क्योंकि अंदर इनकी जो खेती है ना, सामने एक आंटी बीच में देखो वहाँ पे खेती भी कर रही है, काट रही है, तो ये सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे कि इसके अंदर घुस जाता है। देखो नीचे सारे लोग नहा रहे हैं और ये जो जगह है ना यहाँ पूरे टाइगर की मूवमेंट भी रहती है, रात को अक्सर आता है। और हम टाइगर टेरिटरी में इस टाइम घूम रहे हैं पैदल और वहाँ पे है माता का मंदिर। मतलब यार अलग ही लेवल की मतलब फीलिंग आ जाती है। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हांजी हांजी, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, यू आर वाचिंग Mile Chasers। मैं हूँ लव, साथ में है यशवी। यस यस, इतने दिनों बाद। यस, वो भी एक ट्रिप पे। यस, ये मैं तेरी तरह बोल रहा हूँ, पता है ना। यशी का फेवरेट डायलॉग है सिर्फ व्लॉग में, यस करती है ये क्योंकि। तो भाई चलो शुरू करते हैं एक नया सफर। आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि हम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं और अभी निकल रहे हैं। फटाफट ना रास्ते का व्लॉग ऐसा नहीं बनाऊंगा कि वरना आप कहोगे कि भाई सेम व्लॉग बनाता रहता है दोबारा, ठीक है। थोड़ा बहुत दिखाऊंगा रास्ते का, बट मेन हमारा अभी जाके कॉर्बेट में बनना है, तो इसलिए व्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया। तो निकलते हैं फटाफट अपने सफर पर और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो भाई डीजल वीजल डलवा रहा था मैं, तो थोड़ा टाइम लग ही गया आज हमारे को निकलने में ना, रश वगैरह, ऑफिस आज शुरू हो गए हैं, वीकडे है तो उस चक्कर में थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है हमारे को। और 8:30 हो चुके हैं अभी, तब हम निकले हैं ट्रिप पे। ट्रिप भी जीरो है और सिर्फ यशवी और मैं नहीं है, अभी एक और भी है जो हमारे साथ जाने वाली है, वो भी आपको मिलवाता हूँ अभी फटाफट। तो उसको पहले पिक करना और उसके बाद आगे निकलेंगे। ये कैसा मुंह बनाया हुआ है, तो ठंडा ठंडा कुछ लगेगा तो। सीधी नॉर्मल भी आंखें बंद कर सकती थी। अब तुम्हारा कैमरे में मत करियो, सनस्क्रीन लगा रही है वैसे। और हमारे साथ आ गई है नानू। हाय। इसको भी हमने चस्का लगवा दिया है, वाइल्ड लाइफ वाला। और मुझे मजा भी बहुत आता है। मजा यार यही होता है, वाइल्ड लाइफ का एक बार चस्का लग जाए ना तो मजा आने लग जाता है। आपने रणथंभौर में भी देखा होगा इसको, हमारे साथ दोनों बार गई। कॉर्बेट पहली बार जाने वाली है तो हमने कहा चलो इस बार इसको भी लेके चला जाएगा। और अभी हम दिल्ली में ही है और टाइम हो चुका है 9:40, यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट। और जो मुझे मैप्स पे दिखा रहा है हमारा अभी 5 घंटे और दिखा रहा है, सो लेट्स सी, हम रुकते हुए भी जाएंगे तो हमारे को 3-4 के अराउंड बज ही जाएगा। तो भाई पहला स्टॉप, मेरे को आपको ना जगह दिखानी थी, मैं लास्ट टाइम भी यहीं रुका था, मतलब पिछले 2 बारों से मैं यहीं रुक रहा हूँ, तो मैं व्लॉग नहीं कर रहा था। हर बार कॉर्पोरेट का हम व्लॉग नहीं करते ना भाई। ये देखो ये भाई राजा जी, और अलग ही लेवल का बनाया है यार ये, मतलब इतना टेस्टी है इसका सब कुछ और बना भी बहुत अच्छा हुआ है। तो आपको फटाफट अंदर चल के ना आपको दिखाता हूँ कि कैसा इनका खाना है, क्योंकि हमारे को पिछली बार इतना अच्छा लगा था भाई साहब, पराठे में पराठे ऑर्डर हुए थे यहाँ पे। चलो देखते हैं कैसा सीन है आज। आ गए हैं जी पराठे, मेरा एज़ यूजल पनीर क्योंकि वो अच्छा होता है, और जो कम अच्छा होता है आलू प्याज क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तूने ढाबे वाली चाय कर देना है। नहीं अब नहीं करूंगी, वो मेरा सुरताल बिगड़ गया उसका, इतनी बार करवा के बिगड़ गया। ढाबे वाली चाय नानू करेगी, ढाबे वाली चाय ये है ना यशवी, ढाबे वाली चाय ठीक है मैं कर दूंगी, बट हर बार अलग अलग सुरताल में हुआ तो क्या गलत ही करती है ये। अब चलो भाई खाएं, बहुत टेस्टी होते हैं इनके। और यहाँ मैं स्टोरी भी अपडेट कर रहा था mile.chasers पे, तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना भाई। चलो यार यहाँ से निकल रहे हैं, अभी 3.5 घंटे मुझे दिखा रहे हैं यहाँ से, तो दिक्कत वाली की बात नहीं है, 3:15 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सफारी अपनी आज की कोई है नहीं, सफारी वाला वैसे सीन था भी नहीं इस बार यार सफारी, लेकिन हम फिर भी करेंगे, बट आज नहीं है, ठीक है। तो पहुँचते हैं फटाफट और अब मैं आपसे ना कॉर्बेट पहुँच के ही मिलूँगा, ठीक है, क्योंकि रास्ते में बनाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ हम रुकने नहीं वाले, रुकेंगे तो आपको दिखा दूँगा, वरना कॉर्बेट मिलते हैं और आपको कॉर्बेट घुमाएंगे आज फिर। तो भाई अभी बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं कॉर्बेट, हम बस यहाँ पे 1 मिनट रुके थे, वॉशरूम वगैरह जाना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने कहा कि यार आपके साथ एक चीज़ शेयर करूं, अभी मुझे किसी का मैसेज आया कि भाई आपकी स्कॉर्पियो वैन देखी थी हमने अभी, और हमने काफ़ी देर आपकी गाड़ी चेज़ करी, बट आप फिर मुड़ गए नैनीताल हाईवे की तरफ। तो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, सोहित चौहान भाई हैं। तो यार आप इशारा कर देते मैं रुक जाता वहाँ पे, ऐसी भी वो बात थोड़ी है। तो ऐसे कभी भी आपको लगता है कि आपने मुझे देखा है कुछ है, तो आप आके बात करो यार, आके आप इशारा वारा करो, मैं गाड़ी रोक दूँगा, ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं चला होगा, वरना अगर मुझे पता चलता तो मैं 100% रोकता, ऐसी कोई वो बात नहीं है। क्योंकि अभी मैं कॉर्बेट जैसे ही पहुँच रहा हूँ, तो यहाँ भी मुझे काफ़ी लोगों ने इस बार बोल रखा है कि मिलना है, तो उनको भी मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है कि मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड ज़रा पीछे करें, गाड़ी निकालनी है इनको। हाँ जी
तो उनसे ही मिलेंगे। तो भाई ऐसा जब भी हो बताया जरूर करो। चलो ये लोग आ गए हैं, अब पहुंचे हैं वापस। तो भाई लेफ्ट में यहाँ से झिरना रोड शुरू हो जाएगी और हमारे को इस बार वहीं पे ही जा रहे हैं हम। वैसे हम अगर आगे जाएंगे तो वहाँ से आपका मेन ढिकुली वगैरह आता है ना, सारे रिजॉर्ट्स हैं हमेशा वहीं रुकते हैं, बट इस बार हम यहीं पे ही हैं। और जिस होटल हम जा रहे हैं वो है वाइट ओक, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। और वो ज़्यादा पुराना नहीं है, उसको 6-7 महीने हुए हैं बने हुए। तो हमने कहा चलो आपको एक नई प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे, प्लस मेरी जो सफारी है वो झिरना में ही है कल, तो वो भी गेट यहाँ से पास पड़ेगा, तो हमने कहा यहीं पर रुक जाते हैं। तो वही पहुँच गए हम लोग। और जैसे मैंने को बताया था कि अभी बनाई है ये 4-6 महीने पहले, और अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ी बची हुई है तो चल रहा है साथ साथ काम, तो देखते हैं कैसा रहता है अपने को। बट हम क्या टाइम हो रहा है अभी, 3 बजे पहुँच गए हैं। चलो थैंक यू सर। चलो अभी गाड़ी लग गई, साथ ही रिसेप्शन है अंदर आते ही। पीछे की तरफ बढ़िया बात है कि पूरा फॉरेस्ट है, तो मज़ा आने वाला है आज रात को। अगर बताऊंगा अभी यहाँ की मस्त मस्त स्टोरी। अच्छा शो के लिए है, मुझे लगा किसी जानवर वानवर के लिए बनाया क्या। अच्छा अभी एक बात बताइए, ये जैसे फेंस हो रखा है तो यहाँ जानवर आ जाता है कोई रात को? ना ना सर, जानवर तो नहीं आता बनने। क्योंकि मुझे सर थे भैया बता रहे थे कि लेपर्ड भी उस तरफ दिख जाते हैं। लेपर्ड सर उस तरफ। उस तरफ से? अच्छा बताना कौन सी जगह है, देखने की कोशिश करेंगे आज। तो ये चलो आपको फटाफट ना एक बार रूम में दिखा दूँ, क्योंकि हमने सामान वामान तो अपने रख लिए है। एंट्रेंस आपके अलमीरा वगैरह है। चलो वॉशरूम आ गया, तो वॉशरूम में देख लो, बहुत स्पेशियस वॉशरूम्स हैं। अच्छा क्यूब वगैरह है, नाइस एंड क्लीन, तो बढ़िया है, स्पेशियस बहुत ज़्यादा है रूम। देखो केटल वगैरह सब है आपके पास, टीवी एंड ऑल। ये रहा अपना बेड जो कि बढ़िया ही है, एसी वेसी सब है। बढ़िया बात मैं दोबारा से वही कह रहा हूँ, स्पेशियस है। क्योंकि हमने क्या करा है ना, हमने अलग अलग रूम्स नहीं करे, हमने है कि हम 3 की अकोमोडेशन में, तो एक्स्ट्रा बेडिंग ईजीली लग जाएगा। क्योंकि यार अब आओ 2 दिन के लिए भी, तो उसमें भी तो साथ रहो ना, मज़ा आता है। और अच्छी बात ये भी है कि ऑलमोस्ट सब रूम्स के साथ ना आपको बालकनी भी मिल जाएगी। देखो अभी साथ वाला जो रूम है, यहाँ की जो बालकनी है उसके उस तरफ पूरे बाग हैं। बाग मतलब बाग, टाइगर वाला नहीं, बट आम की खेती और वो सब है, तो इसमें लेपर्ड वगैरह रात को काफ़ी मूवमेंट रहती है। अपनी जो बालकनी का व्यू है वो ये है, बट ठीक है, हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम उस तरफ ही जाएँ, क्योंकि वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी में नहीं घुसता कभी भी, क्योंकि फेंस करा हुआ है इन्होंने हर तरफ से। तो बैठेंगे आज शाम को यहाँ पर, सीन बनाएंगे, माहौल बढ़िया सा, मज़ा आने वाला है भाई। तो हर ये जैसे कह रहा हूँ कि हर के साथ ना बालकनी है। देखो अब ये वाली जो इनकी उस तरफ होंगी, तो ये अच्छी बात है, वरना कभी कभी होते किसी रूम में होती है किसी रूम में नहीं होती, बट यहाँ है सब में। बढ़िया बना हुआ यार, इन द सेंस कि जिस तरह से आप ढिकुली के वहाँ पे रुकते हैं ना, वहाँ तो चलो फिर अलग ही खैर सीधे हैं, वो तो 5-स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, बट अगर आप झिरना की तरफ आके रुक रहे हो तो उसके हिसाब से तो मुझे सही लगा। बताऊँगा आपको हमारे को कितना टैरिफ वगैरह का भी क्या सीन रहा ना, बट ये इसके लिए एक्साइटेड हुआ मिलेगी। ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ही बनाया हुआ, किसी जानवर के लिए नहीं है, शो पीस है। मुझे लगा रैबिट या कुछ आ जाता होगा रहने। अच्छा रहने आ जाता होगा, मतलब तो इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि उन्होंने मुझे बोला है कि इसके पीछे से लेपर्ड आते हैं रात गुजारने आ जाते होंगे। रात गुजारने कहाँ, अपना 405 है ना, उधर है क्या आगे है? चलो फिर। तो भाई रेडी शेडी हो गए हैं, दोबारा से रेडी क्यों हुए हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से चेंज कर लिया, बाकी अंदर से हम वही हैं। ये लोग भी रेडी हो गए हैं। मैंने तो टॉप टू बॉटम सब कुछ चेंज किया। सीधी होकर दिखा, सीधे होकर देखो, यहाँ से सीढ़ियाँ गिर मत जाइयो। मुझे भी ये लग रहा था कि अभी थर 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 गिर जाऊंगी। क्या बात है नानू, क्या बात है। चले भाई। अच्छा इसका रीजन ये है कि इन्होंने क्यों अपना ये वाला सीन करा है, क्योंकि हमने मंदिर भी जाना है ना भाई। चले हाँ, वो तो उठाया उसके पहले हम जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी फार्म, क्योंकि हम जो आपको पिछली बार दिखाया था ना मैंने डिटेल में, वाला व्लॉग चेकआउट कर लेना। बट अभी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे को स्ट्रॉबेरी चाट खानी है भाई साहब, स्ट्रॉबेरी फार्म वंस अगेन। पिछली बार आए थे तो ठंड थी, अब इस बार गर्मी है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है, बट देन स्टिल वैसी तो है ना कि आप टैन हो गए। स्ट्रॉबेरीज आप तो पूरी कवर्ड है ना? कवर्ड नहीं है, उतर गई है लगता है। हाँ नहीं ये लगी हुई है एक आधी इधर, अभी हाँ पिछली बार तो पूरी दिख रही थी ना। सीज़न में तो होता है ना यार, अब देख सर्दियों में तो फिर प्रॉपर सीज़न है, अभी उतरी हुई है, देखते क्या सीन है। बट डिटेल में भाई देख लेना हमारे बोले ब्लॉग में, ठीक है। रीले रूले चालू हैं बढ़िया है। चलो और वो कह रहे हैं कि अभी उस तरफ का अभी चल रहा है फार्म, ये वाला जो है ना, अभी ये वाला प्रोड्यूस सारा कर चुके हैं लोग ख़त्म, क्योंकि अभी इसकी शेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है ना स्ट्रॉबेरी की, तो वो वाला अभी चल रहा है, क्योंकि वेंडर्स भी लेते नहीं, गर्मी बढ़ रही है, तो मई जून टाइप तक चलेगा। ये है चीज़ भाई, इसके लिए हम दोबारा आएंगे, ये खाना है स्ट्रॉबेरी चाट भाई, सच में ये ज़रूर ट्राई करना है जब भी आओ।
अमेजिंग कॉम्बो है ये, स्ट्रॉबेरी और इसके साथ कौन से हैं ये मिंट, स्ट्रॉबेरी एंड मिंट, अमेजिंग। मैं कभी स्ट्रॉबेरी लगी नहीं, ये फार्म हाउस है ना, स्ट्रॉबेरी तो ये रही, वही तो ये स्ट्रॉबेरी तो ये बनी हुई है बिल्कुल। तो भी ना सर ने एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम तो, अच्छी तो क्या मतलब, मेरे को तो था कि मेरे लिए अच्छी होगी कि ये लेपर्ड यहाँ पर आ जाता है, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा पीछे की जो तरफ है ना यहाँ लेपर्ड, 3 दिन से आप बता रहे हो यहीं है, 3 दिन से लगातार यहाँ पर ही है, और इनका कल एक कुत्ता भी उठा लिया यहाँ से, मेरा एक डॉगी उन्होंने उठा लिया बिल्कुल जंगल की बॉल से ही, वहीं पर ही था वो लेपर्ड। अरे तभी मैं सोच रहा था क्योंकि अभी भी जो डॉगी था काफी भौंक रहा है अभी, नहीं वो लगातार भौंक रहे हैं वो वहाँ पे, वो तो इनको स्मेल तो आ रही होगी वहाँ से, आ रही है वो लगातार भौंक रहे हैं, और हमने आज उनको इस वजह से घर के सामने बांध के रखा हुआ, बांध के रखा हुआ। तो आप इनको पिंजरे विंजरे में भी डाल देते, रात को तो हम इनको बंद कर देते हैं इनके रूम में। अच्छा, रात को उठा ले जाएगा, दिन में हम घूमते रहते हैं ये, बट शाम को 5 बजे की बात है वो, पता नहीं कैसे हुआ ये, तो इनको तो खैर पता लग जाती है, पता लग जाता है पहले से ही वो कल कैसे एक्सीडेंट हो गया। वेरी सैड सर, बस वही है कि अब वो जो लेपर्ड है वो भी इसी चक्कर में गांव की तरफ रहता है या थोड़ा ऐसे आबादी वाली जगह पे जहाँ पे कुत्ते उठा सके, कुत्ते उठा सके, तो मतलब 3 दिन से लगातार यहीं पर ही है, यहाँ पर ही है लगातार, यहीं पर ही है अभी भी, यहीं पर ही है, कोई बंदर नहीं है, बिल्कुल शांति है, वो यहीं पर ही है, यहीं पर ही है, मतलब पीछे की तरफ ही है। सही कह रहे हैं सर, क्योंकि अगर बंदर वगैरह वरना यहाँ पर होते या लंगूर कुछ भी नहीं है, तो मतलब पीछे की तरफ ही है। चलो यार अब चलते हैं गिरजा देवी, और गिरजा देवी टेंपल मुझे ये नहीं अभी आइडिया कि कितने बजे तक खुला होता है, 5:15 हो चुके हैं वैसे खुला होगा, और अभी क्योंकि थोड़ा सनडाउन भी हो जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पे, तो उससे सोच रहे हैं आज ही चले जाएं, और मन भी था बहुत ज़्यादा यार, तो वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्यों है कि आते ही हम वहाँ पे जा रहे हैं। बट देखो यार यही रहा स्ट्रॉबेरी फार्म, और कह रहे पीछे लेपर्ड है, ऐसा ऐसा होता है यहाँ पर, जहाँ पर कुत्ते रहेंगे वहाँ पे लेपर्ड तो आएगा ही आएगा। तो ये देखो ये ना इलेक्ट्रिक फेंसिंग करी हुई है, क्योंकि अंदर इनकी जो खेती है ना, सामने एक आंटी बीच में देखो वहाँ पे खेती भी कर रही है, काट रही है, तो ये सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे कि इसके अंदर घुस जाता है लेपर्ड, या फिर जैसे अगर खेती है तो इसके लिए स्पॉटेड डियर वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसके चक्कर में पूरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग करके बंद करा हुआ है यार। और ये जैसे मेरे राइट में आपको दिखाता हूँ इधर, ये देखो ये जो गौज है ना पूरे इनमें बैठा रहता है, और रात को निकलता है आराम से, जब पता चलता है ना शांत है उस टाइम पे। मैं भी यही सोच रहा था यार कि इनकी इतनी टफ लाइफ है, मतलब हमारे को लगता है टफ है, इनको तो मतलब खुशी है, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है ये, बट टफ तो है ना यार, कि मतलब पूरा टाइम एक डर का तो रहता ही है, या पूरा सावधानी तो रखनी ही पड़ती है। अगर ये वायर्स ना लगाई हो ना इन्होंने इलेक्ट्रिक वाली, तो कितने हमले बढ़ जाएं। दो जो आपका लेपर्ड है वो ऐसे इंसानों पर हमला नहीं करेगा, बट टाइगर का कुछ कह नहीं सकते, बट टाइगर भी आबादी वाली जगह पे आएगा नहीं, इस तरफ को लेपर्ड ही घूमता है, और अगर किसी बंदे को वो अटैक करेगा तो खाने के पर्पज से नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम उसके लिए बहुत बड़े हो जाते हैं, बट इंजर बहुत गंदा करता है लेपर्ड। तो भाई अब लग रहा है कि अपने घर वापस आ गए हैं, वहाँ पे जब तक आप रुकोगे ना ढेला वाली साइड पे अच्छा लगता है, बट देन जो मेन है ना कॉर्बेट वाली फील, वो ये ढिकुली वाले पे ही है, अभी आगे आम डंडा गेट आ जाएगा, फिर सारे रिजॉर्ट्स आ जाएंगे, तो कॉर्बेट फील जो है वो यहीं की है। गाड़ी लग गई उधर, प्रसाद ले लिया है, जो हमने नारियल वाला लिया है वो 100 रुपये का है, वैसे आपको यहाँ पे बाकी प्रसाद ही मिल जाएंगे अगर बिना नारियल के लेना है वगैरह सब, और शॉप्स हैं हर जगह से मिल जाएगा, बट क्योंकि हमने गाड़ी नहीं क्या लगाई थी, हमने कहा लेते ही चले प्रसाद ले लेना यार, क्योंकि वही चढ़ाओगे अंदर जाके ना। चलो यार एक और बार गिरजा देवी, और बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ पर आऊँ ना, और मैं कोशिश करता हूँ कि आता रहूँ बीच बीच में, क्योंकि भाई अलग ही लेवल की स्पिरिचुअलिटी फील होती है इधर। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी कई बार देखा होगा, मैंने बहुत से डिटेल में व्लॉग्स बनाए हैं यहाँ पर, तो आज इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा ही आपके लिए एक ही बना रहा हूँ ना दिन का, तो उसमें इतना डिटेल में जाऊँगा तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हो। इतना बता देता हूँ कि यहाँ की मान्यता है इतनी ज़्यादा, और यहाँ पर यूजली आप जो मांगते हो ना पूरा हो जाता है। मेरे साथ खुद ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि आप फिर ना उस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि भाई होता है नहीं होता, मतलब डाउट नहीं कर सकते, वो चीज़ होती ही है, तो फिर आप खुद के साथ हो जाए तो फिर होता ही। हाँ भाई आज हाँ बड़ी देर से बुला रही हूँ, आज यहाँ बंदर नहीं है यार, यार ये बात इसने बोली थी, बंदर नहीं है, शाम हो चुकी है, हम इतनी लेट आए हैं, वैसे तो यार बंदर 6:15 बजे हम पहुँचे। हाँ तो अपने साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तभी हमारे को मान्यता है यहाँ की, और काफ़ी टाइम से बुलावा भी आ रहा था, और इसलिए मेरे को था कि फटाफट आ जाओ। ये रहा सामने मंदिर जो हिल टॉप पे है, और देखो नीचे सारे लोग नहा रहे हैं,
और ये जो जगह है ना, यहाँ पूरे टाइगर की मूवमेंट भी रहती है, रात को अक्सर आता है। यहाँ एक बार बाढ़ आई थी तो ये पूरा यहाँ यहाँ तक सब बह गया था। दो बार आ चुकी है ऐसी बाढ़ यहाँ, सोचो। जय गिरिजा देवी। अभी सारे स्टॉल्स वगैरह हट गए हैं क्योंकि टाइम हो चुका है ना। अगर आप टाइम पे आओगे तो ये पूरे एक्टिव मिलते हैं यहाँ पर, आके आराम से मैगी वैगी खा सकते हो, चाय पी सकते हो। देख रहे हो, फिर अभी उन्होंने सारी चुन्नी उन्नी हटा दी है यहाँ से, वरना पूरा भरा होता था। वो काट के हटा रहे हैं ना चुन्नियाँ सारी, बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा हो गई थी। देखो जय माता दी। परिक्रमा कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है यार। यहाँ अपनी चुन्नी बांध देंगे, आपको कोई मन्नत मांगनी हो तो आप मन्नत मांग के चुन्नी लगा सकते हो। मेरे ऊपर मंदिर, हम परिक्रमा करके नीचे आ गया। नीचे भैरव बाबा का मंदिर है, तो जब भी आप किसी माता के मंदिर जाओगे ना, वो भैरव बाबा के मंदिर ज़रूर जाना। ये मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बात बोली है, बहुत सुंदर मंदिर है, सिर्फ केव के अंदर है। ये भी आप पुराने व्लॉग्स में मेरा डिटेल में देख लेना। ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, लगता है छोटा है बट आप आ जाओगे। और वह इतना प्यारा सनसेट हो रहा है सर, इतना प्यारा। और अब ये चीज़ सोचो कि ये रहा मंदिर पीछे, और ये 7:30 अराउंड तक आप आ जाओ तो ठीक है, उसके मतलब 7:30-8 के बीच में बंद हो जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे रोज़ कह रहे हैं टाइगर चलता है, और ये आज की मुझे पहले से पता थी, जब भी मैं आता हूँ बताया जाता है कि रात को यहाँ पे ऑलवेज टाइगर की मूवमेंट रहती है। इमेजिन अभी यहाँ पे कैसे लोग थे, अभी थोड़े से रह गए हैं, बट ऑलवेज़ रात को टाइगर चल रहा है। और हम टाइगर टेरिटरी में इस टाइम घूम रहे हैं पैदल, और वहाँ पर है माता का मंदिर। मतलब यार अलग ही लेवल की मतलब फीलिंग आ जाती है। चलो यार, मंदिर से निकल गए हैं, अब मैगी खाने का प्लान है। पहले जाके फटाफट मैगी खाते हैं, क्योंकि टाइम भी 7 बज चुके हैं और अंधेरा हो गया है, तो अब और मज़ा आएगा। अब जंगल में मूवमेंट शुरू हो जाती है ना, तो वैसे ही खुद ही ओए क्या कर रहा है मेरे भाई, वो ज़्यादा मज़ा आता है। पहले इस मक्खी को बाहर करा जाए। तो यार जो हमारा मैगी वाला है ना, वो बंद हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7:30 होने लगे हम तब पहुँचे, और ये 7:15 के अराउंड ना सब बंद हो जाता है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो ये लोग भी रुकते नहीं है। तो अब हम देखते हैं यार, क्योंकि भूख तो लग रही है। हमने वही खाया हुआ है जो सुबह एक बार रुक के खाया था, उसका तो हमने कुछ नहीं खाया ना, कुछ भी नहीं खाया। हाँ तो अब देखते हैं यार, अब देखते रामनगर में सोच रहे हैं अपन, बहुत अच्छे पिज्जा वाली जगह, या तो वहाँ जाएंगे या समोसे खाएंगे। हाँ या यशी को समोसा खाना है, वहाँ पे एक समोसे वाला भी है बढ़िया सा, तो देखते हैं वहाँ जाके जो मन करता है। अभी समोसा, ये समोसे बेचने वाले आ गए लोग, समोसे बेचने वाले लोग आ गए। मैंने कहा चलो इनकी भी थोड़ी कमाई करवा ही दूँ। लेकिन भाई क्या गजब समोसा लग रहा है यार ये, ये लो। अरे अरे एक समोसा वही है, फटाफट लेके आने दो। अरे यार एक वही रख के आई है अभी, वही तो आते तो दो समोसे तो आ सकते थे, एक मुंह में पकड़ लाती ना। भाई साहब यशवी आ गई है यहाँ पे एकदम स्ट्रीट फूड हॉल पे, और वहाँ पे चढ़ी है अभी, इसको चौमिन खानी है। और सबसे बढ़िया बात है, यशवी की बहन ये बोल रही है कि भैया से पूछ कर छोटी प्लेट की हाफ प्लेट कितने की मिलेगी। अगर छोटी प्लेट की हाफ प्लेट क्या होता है भैया, बोलेंगे यार कम क्वांटिटी में। वो मुझे पता है, लेकिन भैया को नहीं पता ना, भैया इस चीज पर नाराज होंगे, वो कहेंगे यार या तो फुल प्लेट बताया हाफ प्लेट। अब क्या करें, मैं हूं तो यशवी की बहन ही ना। ये बात सही करी यार, यहाँ बेचने वाले लोग ना रोक ही नहीं रहे हैं, अब चौमिन ले आए लोग। इतनी अच्छी खुशबू, इतने दिन बाद ये रोड साइड वाले चौमिन खाते। चौमिन भाई, ये वाली वाली ये ना चौमिन नहीं होती, ये होती है काली वाली चौमिन, जो गंदी वाली होती है ना, लेकिन तो कहते गंदी वाली, लेकिन ये सबसे टेस्टी होती है। आजा आजा, अगर गला खराब कराया ना तूने, फिर तू देख। ओए होए भाई साहब, जिनको रिस्क है वो ना खाए। चटनी क्यों डाली साथ में हरी वाली? ये बात मैंने व्लॉग से पहले ही बोली है कई बार, ये राइट हैंड साइड है पूरा जंगल है, और अगर आप देखोगे वॉल के ऊपर सिर्फ फेंस करी हुई है इलेक्ट्रिक, और लेफ्ट हैंड साइड है पूरे घर है। एक टाइम था जब यहाँ पे ये वॉल भी नहीं थी, और यहाँ पे टाइगर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी थी, जो काफ़ी यहाँ पे दिख जाती थी,
तो उसके बाद से वॉल बनी, बस उसके बाद से लोग खुश हैं, जबकि टाइगर इसे टाप सकता है, लेकिन वो इसमें खुशी से जी रहे हैं कि भाई अगर ये दीवार है और ये फेंस है तो इस तरफ नहीं आएगा। तो अपना रिजॉर्ट में वापस आ गया, सामने सुने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, रात में बहुत सुंदर लग रहा है यार अपना रिजॉर्ट, सारे ऐसे लैंटर्न्स लगा रखे हैं उन्होंने पेड़ों में, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और कॉन्स्टेंटली जैसे मैंने को दिखाया ना, वहाँ कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें चल रही हैं, और जैसे मैंने को बताया कि यहाँ पे फॉरेस्ट्री है पीछे सारा, वैसे इन्होंने फेंस करी हुई है इधर, बट घबराहट सी होती है थोड़ी, है जब पता होना कि टाइगर टेरिटरी है और आप वो भी मुहान वाले एरिया में, जहाँ मुहान कह रहा हूँ सॉरी ढेला वाले एरिया में, जहाँ पर पीछे की तरफ चले जाओ तो गेट आ जाता है ढेला का, और वहाँ पे अटैक्स हुए हैं टाइगर के रिसेंटली, तो थोड़ी सी तो फटती है भाई। The next day. तो भाई ये है इनका रेस्टोरेंट, और वो सामने हमारे रूम से, वहीं से हम आए हैं इधर चल के। अच्छा है रेस्टोरेंट, अच्छा बना हुआ है नो डाउट, बाकी यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं इनके, कल्चरल शोज और ये सब ना, पहाड़ी डांस वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज, वो वीकेंड पे यूजुअली होता है, हमारा रूम वहाँ जाकर है। ये वाली जो आप लेन देख रहे हो ना, इसके इस तरफ जो है रात को लेपर्ड कई बार आ जाते हैं, इसलिए रात को मना करते हैं कि इस लेन पे मत घूमो, तो रात को अलाउड नहीं होता वो, तो ध्यान रखना रात को इस तरफ मत आना यार, क्योंकि उस तरफ अगर जानवर होंगे तो क्या ही फ़ायदा है ना ऐसे रिस्क लेने का। मैंने जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगा उसी में तूने कांड करने है ना, कह रही कि तू ये बोल सकती है कि जो कहते ना साली आधी घर वाली, कह रही तू बोल सकती है हाफ हाउस वाइफ, हाफ हाउस वाइफ गलती से बोल दिया था, हाउस नहीं बोलना, आज की तेरी तीसरी गलती हो चुकी है और अभी दिन शुरू हुआ है। तीसरी, पहले की दो कौन सी थी? अबे धीरे, यहाँ पे लेपर्ड आने, तेरी आवाज सुन के भाग जाएंगे यार। पर सोना गलती हो गई क्या? ये वाली वो लेने भाई, जो उन्होंने फेंस कर दी थी, मंदिर से दिखा रहा था ना कि यहाँ पे रात को नहीं घूमने देते। अबे यार टर्न अराउंड, दो लोग अनफॉलो कर चुके। ओए ओए ओबे, लेट्स गो। चाय पी है ना तूने अभी? हाँ, ये वैसे ही गिरी है जैसे मैं सीढ़ियों से। तो यार वापस आने के बाद मैंने ना उस पर ब्लॉग करा नहीं, क्योंकि उस पर कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोग बस बैठे चिल विल मार रहे थे, मैंने कहा उसमें क्या ही करना है। और जब बाहर बैठे होते तो हमने थोड़ा ट्राई करा कि वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट का कुछ लग जाए, बट कुछ ऐसा सीन था नहीं, तो मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं। हमारे को ना नाइट ड्राइव भी करनी थी, बट आज कर नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह से निकले हैं 2 घंटे सो करना, तो हमने कहा कि आज सो जाते हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग सफारी है, और मॉर्निंग सफारी अब जो है टाइम चेंज हो चुका है, अब हमारे जो सोनू भाई हैं वो हमारे रिजॉर्ट पे आ जाएंगे 5:45 पे, क्योंकि यहाँ से हमारा गेट पास है अब ढेला वाला, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से। हमारे को एक 6 बजे पहले हम ढेला गेट पहुँच जाएँ, ताकि 6:15 बजे सफारी स्टार्ट है, उसके पहले हम ना शुरू ही गाड़ी में अंदर चले जाए, तो अगर अभी नाइट सफारी के हम निकलते ना अपनी गाड़ी लेके तो बहुत लेट हो जाता, बट कल करेंगे वो चीज़। अभी बस यहाँ सोने लगे हैं थोड़ा सा। आपको मैंने कहा ये भी बता ही दूँ कि यार हमारा जो यहाँ का हमने टैरिफ, मैंने कहा था आपको बता दूंगा, हमने ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे लिया था, जो ये वाला रूम मैंने आपको सारा दिखा दिया, ये हमारे को मिला था 6500 में फॉर 2 डेज़ 2 नाइट्स बेसिकली, ठीक है। और हमारे को ऑल ओवर ठीक है, बट देन इतना कुछ खास एक्सपीरियंस यहाँ पे रह नहीं रहा, क्योंकि हम कॉर्बेट जिस तरह से आते हैं हमारे को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं आज तक जितनी भी जगह पे हम रुके हैं यहाँ पर, मतलब ठीक है, ओकेश है, जिस हिसाब का यहाँ पे है, मतलब उस हिसाब से इतना वो लग नहीं रहा, मैं मतलब डिटेल्स में क्या ही जाऊँ, तो बस ठीक है। अगर आप आ रहे हो तो आप देख के आना, क्योंकि थोड़ा क्लिनलीनेस को लेके हमारे को थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे बेड वगैरह थोड़ा सा लग रहा है कि बेडशीट वगैरह इतनी कोई साफ़ नहीं है, थोड़े दाग वाग हैं, पिलो कवर्स नहीं है, पिलो कवर्स मतलब साफ़ नहीं है, वो थोड़ा सा लग रहा है बस। तो देखो यशवी ने भी अपने वही बिछा रखा है पिलो पे, तो वो थोड़ा सा हमारे को फील हुआ, तो ठीक है अब जो भी है, 2 दिन का हमने तो बुक तो करा ही हुआ है यहाँ पर। और खाने का भी लेके जो हमने खाना खाया था, इट वॉज़ वेरी ओकेश, वेरी वेरी ओकेश, तो इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया। आई डोंट थिंक हम अगली बार शायद यहाँ पर नहीं रुकेंगे ना, ये शिव जैसे बुरे यहाँ नहीं रुकेंगे अगली बार, तो ठीक है चलो। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, मुझे बस ये था कि जो फेयर एक्सपीरियंस है ना मेरे किसी जगह का, मैं आपको बता दूँ, ये नहीं कि अगर मुझे कोई कुछ कह रहा है कि हाँ भाई ठीक है आप यहाँ पर आ रहे हो तो हमारा व्लॉग बना दो, तो मैं आपको कुछ भी उसमें दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है, जो सच्ची में है वो दिखाऊंगा, ताकि ये ना हो कि कल को आप और बोलोगे भी इसने तारीफ करी थी जगह ऐसी निकली, तो ऊपर से देखोगे तो अच्छा लगता है पूरा, बट जब निटी ग्रिटी में जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। चलो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, मिलते हैं कल सुबह, बढ़िया सी सफारी करेंगे, लेट्स होप के बढ़िया से कुछ साइटिंग वाइटिंग हो जाए हमारे को, ठीक है। आप है तो हमें, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं, मिलते हैं कल सुबह की सफारी व्लॉग में।